देखें तो ये कुछ मीटर्स लगा कर रखे हुए, इनके अंदर पहला वाला एमीटर रहता है और उसके बाद दो वोल्ट मीटर रहता है। एमीटर और वोल्ट मीटर ट्रैक्शन मोटर में जाने वाली करंट और वोल्टेज देखने के लिए, और एक जो वोल्ट मीटर है वो ओएची और आउटरी का वोल्टेज बताने के लिए रहता है, यूए मीटर कहलाता है। यू बोले तो ओएची का वोल्टेज और ए ऑक्सिलरी का वोल्टेज, जो स्केल ड्यूल रहती है नीडल एक ही रहती है, ओएची वोल्टेज के प्रोपोर्शनेट में ऑक्सिलरी का वोल्टेज कितना मिल रहा है वो दिखाता है। इसके बाद सामने ये देखें एमपी या मास्टर कंट्रोलर जिसके द्वारा नाच लेने का काम होता है, ये जो लगा हुआ है इसे बोलते हैं एमपीजे रिवर्सर और एमपीएस सेंटिंग नॉचेस के लिए हैंडल, सेंटिंग नॉच लेने के सेंटिंग कॉन्टैक्टर्स को पिकअप करवाने के लिए सेंटिंग नॉचेस के लिए एमपीएस। उसके बाद यहां ये जो सॉकेट दिख रहा है आपको, ये जेडपीटी का सॉकेट है जिसमें जेडपीटी चाबी लगाते हैं। जेडपीटी की जो है वो पेंटो को रेस करने की है, पेंटो को उठाने के लिए। तो जब पेंटो का सर्किट आएगा तो आपको बताएंगे किस पोजीशन पर लगाने के, कैसे और कौन सा पेंटो रेस होगा। जो जेडपीटी लगाने का सॉकेट है उसके बाजू में यहां आप देखें तो ये नॉच रिपीटर है। एमपी के द्वारा आपने कितनी नॉच लेकर रखी गई है उन नॉचेस की पोजीशन दिखाता रहता है कि कभी गाड़ी कितनी नॉच पर चल रही है। बैठ जाओ भाई, वहीं बैठ जाओ, कहां जाओ। ऊपर की ओर अगर सामने की ओर देखें तो गेजेस के बाद यहाँ एक बीएल बॉक्स है, बेंच लीवर बॉक्स, जिसके ऊपर बीएल स्विचेस लगे रहते हैं। सुबह जब स्विचेस की चर्चा हो रही थी तो बीएल स्विचेस की बात हुई थी, तो वो जो बीएल स्विचेस लगे हुए हैं वो सारे सारे इस बेंच लीवर बॉक्स के ऊपर लगे हुए हैं, और इस बेंच लीवर बॉक्स को अनलॉक करने की एक की लगी हुई है कहलाती बीएल की। इस लीवर स्विच स्विच के स्विच बॉक्स के ऊपर आप देखें तो दो लाइन में स्विचेस लगे हुए हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर जो स्विचेस लगे हुए हैं ये लॉक वाले स्विचेस, जब तक इस बीयर बॉक्स की कील को लगाकर इसे अनलॉक नहीं किया जाएगा तब तक ऊपर वाले स्विच ऑन नहीं होते, और नीचे वाले स्विचेस जो हैं ये सारे लाइटिंग के स्विचेस हैं, फ्री रहते हैं, ये कभी भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं बीयर की लगी हो या ना लगी। ऊपर वाले स्विचेस में बीयर डीजे है, बीयर आर डीजे है, ये डीजे क्रॉस करने के काम में आते हैं। एक BLSN स्विच है जो मल्टीपल लोको में ट्रेलिंग लोको का डीजे ओपन और पेंटो डाउन करने के काम में आता है, ड्यूल स्विच है वो। उसके बाद BLCP है जो कंप्रेसर चलाने के काम में आता है, एक BLCP D है जो कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाने के काम में आता है। BLCP से जब हम कंप्रेसर चलाते हैं तो कंप्रेसर की लोडिंग और अनलोडिंग होती रहती है, 8 से 9.5 kg के बीच प्रेशर मेंटेन होता है, लेकिन यदि हम BLCP D से काम करते हैं तो लोडिंग अनलोडिंग का कंट्रोल खत्म हो जाता है, लगातार प्रेशर बनता है। और उसके बाद लास्ट में स्विच जो है वो है BLVMT, BLVMT ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर का BL स्विच। जब इस स्विच को ऑन करते हैं तो इससे तीन मशीनें काम करती हैं, एक MVRH सबसे पहले वो चलती है, उसके 5 सेकंड के बाद MVMT 1 चलती है, और उसके 5 सेकंड के बाद MVMT 2 चलती है। एक ही स्विच से तीन ब्लोअर मोटर्स को कंट्रोल किया। उसके बाद जो नेक्स्ट लगा हुआ है ये सिग्नलिंग लैंप बॉक्स है जिसके ऊपर पायलट लैंप लगे हुए हैं जिनकी सुबह चर्चा हुई थी, LSDJ, LSGR, LSCHBA, LSRSI, LSB, LSP, इतने लैंप तो हर गाड़ी में मिलते हैं। इसके अलावा LSAF, LSDBR, LSGRT, LSOL ये लैंप भी हमें मिल जाते हैं। जब पायलट लैंप की चर्चा होगी तो इनके बारे में आपको बताएं। यहां तक की बात समझ में आई? ड्राइवर साहब के लेफ्ट साइड में प्रेशर गेजेस, सामने मास्टर कंट्रोलर, रिवर्सर हैंडल, सेंटिंग नॉचेस के लिए हैंडल, वोल्ट मीटर और एमीटर, बीएल बॉक्स, सिग्नलिंग लैंप बॉक्स, ZPT को लगाने का सॉकेट और नॉच रिपीटर। इसके अलावा यहां देखें आप, जहां ये कर्सर मूव हो रहा है यहां कुछ पुश बटन दिख रहे हैं आपको, ये वही पुश बटन है BPP, BPR प्रोग्रेशन और रिग्रेशन के। एक पुश बटन रहता है BPT, पुश बटन फॉर टेस्टिंग। तो इनके जो पायलट लैंप्स हैं इसमें LSGR,
LSDJ, LSCHBA और LSB, ये तो नॉर्मल कोर्स में चलते हैं, आम होने पर घुसते हैं, लेकिन LSRSI सिर्फ तभी चलेगा जब RSI ब्लॉक में फाइल्ड हो, या LSP तभी चलेगा जब वी स्लिपिंग आ रहा हो। तो वो पायलट लैंप बराबर है या नहीं है, उन्हें टेस्ट करने के लिए टेस्ट बटन दिया हुआ है, उसका नाम है BPT, इन पायलट लैंप्स को टेस्ट करने का पुश बटन। उस पुश बटन को दबाते हैं तो ये लैंप भी जल जाए। तो यहां तक कोई डाउट है, किसी का कोई सवाल है? इतनी जो इस फिगर के अनुसार जो बात हुई इसमें, यही आपको A9 और SA9 के हैंडल भी मिलते हैं, वाल्व और हैंडल, और यहीं पर नीचे A9 SA9 के कटआउट कांच भी लगे हुए। डीजल लोको में आपने देखा था कंट्रोल स्टैंड के अंदर A9 और SA9 के कितने कितने कटआउट कांच होते हैं, देखे किसी ने? A9 SA9 के कटआउट कांच देखे हैं भाई? दो इसी तरीके से SA9 का एक इनकमिंग पर और एक आउटगोइंग। तो जैसे हम डीजल लोको में वर्किंग कंट्रोल स्टैंड के A9 SA9 के कटआउट का बोलते थे और नॉन वर्किंग के बंद रखते थे, उसी तरीके से ऐसे लोगों में भी वर्किंग कैब के A9 SA9 के चारों कटआउट का खुले होना चाहिए और नॉन वर्किंग कैब के चारों कटआउट का बंद होना चाहिए। वहां एक एक डीजल में हमें एक एक कार्ड मिलता है, एक A9 का, एक SA9 का, एसी लोगों में दो कार्ड A9 के और दो SA9 के, कैब 1 में भी और कैब 2 में। ठीक, दूसरे फिगर में देखें हम, तो यहां आपको ये इस तरफ लोको पायलट होगा, इधर ALP रहते हैं, दोनों के बीच में देखें ये विंड जो सामने लुकआउट ग्लास है उसके बीच वाले फ्रेम के ऊपर स्पीडोमीटर लगाकर रखा हुआ है, वही हमारा MRT 8 स्पीडोमीटर लगा हुआ है। इसके नीचे देखें अगर माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल लोको है तो उसका माइक्रोप्रोसेसर का डिस्प्ले यूनिट FDCS जिसे बोलते हैं, फॉल्ट डायग्नोस्टिक कंट्रोल सिस्टम, उसका डिस्प्ले यूनिट यही दोनों के बीच में लगाकर रखा जाता है। कैप फैन दोनों ओर लगा हुआ है, यहाँ लोको पायलट के साइड में भी लगा हुआ और एलपी के साइड में भी लगा हुआ। स्वान एक बजर है जो ट्रैक्शन मोटर ओवर वोल्टेज के दौरान बजता है और ड्राइवर को संकेत देता है कि ट्रैक्शन मोटर में जाने वाली करंट की मात्रा वोल्टेज की मात्रा लिमिट से ज्यादा हो। उस दौरान ऑटो रेगुलेशन आता है, वोल्टेज कम होता है और जब विदिन लिमिट हो जाता है वोल्टेज तो स्वान का बजना बंद हो जाता है और रेगुलेशन भी रुक जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी फ्लैप वाल्व या RS वाल्व जिसे बोलते हैं डीजल लोको में भी होता था, यहाँ भी लगा हुआ है। डीजल लोको में लोको पायलट और ALP दोनों की साइड में होता था, यहाँ सिर्फ ALP के पास है, एक ही तरफ लगा हुआ है। ये कैब हीटर लगा हुआ है कैब को गर्म रखने के लिए, अगर ठंड के सीजन में काम कर रहे हैं हीटर ऑन करते हैं तो कैब गर्म बनी रहती है। और ये फ्लैशर लाइट की कंट्रोल यूनिट लगी हुई है जिसके ऊपर मैनुअल और ऑटो वाले स्विचेस हैं। और ये VCD की कंट्रोल यूनिट है, कैब यूनिट जिसके ऊपर VCD का इंडिकेशन लैंप और रीसेट बटन दिया हुआ है। तो इतनी सारी चीजें ALP के साइड में लगी हुई है। क्या क्या है? स्पीडोमीटर दोनों के बीच में है, माइक्रोप्रोसेसर का डिस्प्ले दोनों के बीच में है, फैन दोनों साइड में लगा हुआ है, साल का जो बजर है वो ALP के साइड में लगा हुआ है, VCD की यूनिट ALP के साइड में लगी हुई है, फ्लैप वाल्व ALP के पास है और फ्लैशर कंट्रोल यूनिट ALP के साइड में लगी हुई है। इसके अलावा जो हीटर है ये भी दोनों साइड में लगे रहते हैं, लोको पायलट की साइड में भी और ALP की साइड में भी। कोई डाउट है? जिन लोगों ने कैब देखी हुई है, लोको पर गए हुए हैं, उनका कोई सवाल हो तो? प्रेशर गेजेस तो हम लोगों पर काम कर रहे हैं तो प्रेशर गेजेस के बारे में तो सभी को मालूम है, SA9 का गेज, BP प्रेशर का गेज, FP प्रेशर का गेज और MR प्रेशर का गेज। लेकिन हमारी गाड़ी में हम देखते थे जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर गेज है वो सिंगल नीडल वाला है, सिर्फ बोगी नंबर 1 के ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर बताता है,
एसी लोको में आप ये गेज देखें तो इस गेज के अंदर आपको दो सुई दिख रही, BC1 और BC2 दोनों बोगी ब्रेक सिलेंडर में कितना कितना प्रेशर जा रहा है उसके लिए दो अलग अलग नीडल है और वो प्रेशर बताते हैं। यदि आप कोई एक बोगी आइसोलेट भी कर देते हो तो भी दूसरी बोगी में जो प्रेशर जा रहा है वो लगातार दिखता है, जबकि डीजल लोको में यदि आप बोगी नंबर 1 आइसोलेट कर देते हो तो बीसी का प्रेशर दिखना बंद हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। ये फर्क है एसी के बीसी गेज में और डीजल के बीसी गेज में। इसके अलावा एफपी का गेज, बीपी का गेज, एमआर का गेज, तो जैसा एमआर और एफपी का गेज हमारे पास रहता है ड्यूल लीडर वाला डीजल लोको में, वैसे ही एक सुई एमआर का प्रेशर बताती है, एक फील्ड पाइप का प्रेशर बताती है। बीपी के गेज के लिए ब्रेक पाइप प्रेशर जैसा हमारे पास सिंगल लीडर गेज है वैसा यही है, और एयर फ्लो इंडिकेटर वैसा का वैसा, वाइट नीडल एयर के फ्लो को बताती है और रेड नीडल रेफरेंस का काम करती है। A9 SA9 के बाल वैसे ही हैं, SA9 दो पोजीशन, A9 पांच पोजीशन, जैसा डीजल लोको में सेम वैसे का वैसा काम। SA9 से ब्रेक लगाने पर इंडिपेंडेंट ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, और A9 की वही पांच पोजीशन, मिनिमम रिडक्शन, फुल सर्विस, ओवर रिडक्शन, इमरजेंसी और रिलीज। रिलीज नॉर्मल वर्किंग पोजीशन जिस पर पूरा बीपी चार्ज रहे, मिनिमम फुल सर्विस ओवर रिडक्शन और इमरजेंसी सारी की सारी ब्रेक एप्लीकेशन पोजीशन है। पोजीशन के अनुसार अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग क्वांटिटी में बीपी प्रेशर ड्रॉप। कैप मीटर की बात करें, जो अभी हमने आपसे बात की थी कि पहला जो मीटर है वो करंट बताता है, बाद के दो मीटर वोल्टेज बताते हैं ट्रैक्शन मोटर का, और यूए मीटर जो ओएचई का वोल्टेज और ऑक्सिलरी का वोल्टेज बताता है। इसके अंदर आप देखें दो स्केल दिख रहे हैं आपको, इधर देखें आप 0 5 10 15 20 25 30 हां, और इधर देखें तो 0 100 200 300 400, तो ये जो 100 200 300 400 ये ऑक्सिलरी वोल्टेज है, और इधर जो है ये केवी में है ओएचई का वोल्टेज, नीडल एक ही रहती। तो यहां जो कैप नंबर 1 में मीटर लगे हुए हैं AUU, इन मीटरों की कौन सा मीटर क्या बताता है उसके लिए अगर हम जाएं तो ये कैसे लगे हुए हैं AUU, ऐसे दूसरी कैप में भी AUU, ठीक है। तो अगर यहां हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 कैप 1 का जो ये वाला मीटर है ये ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 का वोल्टेज, बीच वाला जो मीटर है ये ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 का वोल्टेज, और जो करंट बता रहा है ये टीएम नंबर 3 का करंट बता रहा है। कैप 2 में अगर हम चले जाते हैं तो वहां जो करंट का मीटर है एमीटर है वो 4 नंबर ट्रैक्शन मोटर का करंट बताता है, जो बीच वाला वोल्ट मीटर है ये 5 नंबर मोटर का वोल्टेज बताता है, और लास्ट वाला जो वोल्ट मीटर है ये 6 नंबर मोटर का वोल्टेज बताता है, और ये UA1 वहां भी लगा रहता है जो ओएचई और ऑक्सिलरी का वोल्टेज बताता है। दोनों कैप में 4 मीटर लगे हुए हैं, कौन सा मीटर किस मोटर का वोल्टेज या करंट बता रहा है उसे ध्यान रखने का तरीका यह है, एमीटर वोल्टमीटर वोल्टमीटर AUU 1 2 3 4 5 6 नोट कर लो, भूलोगे नहीं कभी। समझ में आई बात, रटने की कोई जरूरत नहीं है, अगर समझ में आ गई तो याद बना रहेगा कौन सा मीटर किस मोटर की वोल्टेज या करंट बता रहा है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट बिठा लिया तो कभी भूलने वाली बात नहीं। वोल्ट मीटर 0 से लेकर 1500 वोल्ट डायनेमिक के समय रिवर्स में आते हैं नीचे, तो देखें आप 0 बीच में बना हुआ है,
जब डायनेमिक लगाते हो तो आप इस तरफ रीडिंग आती है, प्रेशर में ऊपर की ओर रीडिंग। और ये वाला जो यहां दिख रहा है वोल्टमीटर, ये ओएचई का वोल्टेज और ऑक्सिलरी का वोल्टेज। मास्टर कंट्रोलर एमपी, तो 10 हो गया, जाओ चाय पी के बंद कर दो।